तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। ध्यान से सुनना ये भजन, अपनी माता बहनों के लिए ज्यादातर कह रही हूँ, क्योंकि माता बहनें ज्यादातर घर में कहती है कि ऐसा क्यों हो गया, कि ये कैसे हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, हम और आप ही केवल आफत में नहीं है, संसार में जो आया है वो कष्टों को झेलने के लिए ही आया है, सुखों को झेलने नहीं आए हम लोग। तो हमको दुख को देख करके कभी घबराना नहीं है। तो कहा क्या कि अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। क्यों कि होना था अभिषेक राम का, कि होना था अभिषेक राम का, तो क्यों बन गए रघुवीर विधाता अजब लिखी तकदीर। सुबह होते ही श्री राम को राजतिलक होना था, लेकिन 14 वर्ष का वनवास मिल गया, क्योंकि उनकी किस्मत में ऐसा लिखा था। आइए सुनिएगा क्या। अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर, हो अजब लिखी तकदीर विधाता अजब अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर, ओ अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। जय उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं,
ध्यान से सुनना क्या। ये रातें गुजरती नहीं, दिन भी ढलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। क्यों रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना। राजा हरिश्चंद्र की कहानी को कौन नहीं जानता, इतने बड़े राजा थे, लेकिन वक्त ऐसा आया कि भंगी के यहाँ पर पानी भरना पड़ गया। वक्त की मार जब किसी पर पड़ती है तो हर कोई झेल नहीं पाता। दूसरे बंद में एक बेटे के बारे में लिखा कवि ने, एक बेटा हुआ हमारे इस भारत देश में जो अपनी जान भी देकर के माँ बाप की सेवा करके गया, तीरथ की यात्रा कराई। क्या नाम था उस बेटे का? श्रवण कुमार। सुनिएगा श्रवण कुमार के बारे में लिखा कवि ने, श्रवण मात शादी कैसे करें, पता नहीं बेटी कैसे घर में जाएगी, कैसा पति मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, हर किसी को चिंता होती है अपनी बेटी की। तो जब बेटी की शादी होती है तो उसके लिए एक सुंदर लड़का देखा जाता है जिसके साथ में वो सात फेरे लेती है। एक लड़की की शादी एक ही लड़के से होती है, दो से तो नहीं होती, एक से ही होती है। लेकिन हमारे इस भारत वर्ष में कैसी नारी हुई जिसके पांच पति थे? कौन थी वो? द्रौपदी। द्रौपदी के पांच पति थे। कहते हैं कि जब लड़की सात फेरे लेती है तो हर पति एक फेरे में कसम खाता है कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन पांच पति होकर के भी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके नसीब में ऐसा लिखा था। चारों तरफ नजर घुमा करके द्रौपदी देख रही है। सबसे पहले दादा भीष्म पितामह को देखा, भीष्म पितामह की तरफ देख करके कहा कि मुझे दाव पर
किसने लगाया मुझे एक बार कोई बताओ तो सही। लेकिन दादा भीष्म भी जवाब नहीं दे पाए, गर्दन को नीचे कर लिया, अपने पतियों की तरफ निहार रहे हैं शायद ये मुझे बचाएंगे। लेकिन पांचों पतियों ने भी अपनी गर्दन को नीचे कर लिया, भरी सभा में किसी ने उसकी सहायता नहीं की। तो लास्ट में फिर किसको पुकारा, ओ मेरे सांवरे भंवर में पड़ी है मेरी नैया, ओ घनश्याम रे महामाई के प्यार की।